Hello everyone. Now today I am coming with a topic anatomy of flowering plants. काफी दिनों से बच्चों की डिमांड आ रही थी कि मैडम एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स टॉपिक को पहले कवर कर लीजिए, तो आज हम बिगिन करने वाले हैं इसी चैप्टर को. क्लास 11th की बायोलॉजी का बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है. नाउ बेटा, एनाटॉमी का मतलब क्या होता है? एनाटॉमी मींस स्टडी ऑफ इंटरनल ऑर्गन ऑफ द बॉडी. किसी भी ऑर्गेनिज्म के बॉडी के इंटरनल बॉडी सिस्टम्स को, उनके बॉडी ऑर्गन्स को, टिश्यूज को स्टडी करना इज व्हाट कॉल्ड एज एनाटॉमी. मतलब कि अगर मुझे प्लांट के अंदर के सिस्टम को स्टडी करना है, प्लांट के अंदर के टिश्यू सिस्टम को स्टडी करना है, दैट स्टडी इज व्हाट कॉल्ड एज प्लांट एनाटॉमी. टॉमी मीन्स, जब भी हम कोई वर्ड यूज करते हैं, कहीं भी यूज करते हैं, टॉमी, टॉमी मीन्स वी आर डूइंग द सर्जिकल सेक्शन. And then we are studying the arrangement of cells or tissues making a complete organ in the organism. Right? Cutting off some body parts and then viewing it properly is what called as tommy. Ek shabd used hota hai biology mein. You know tubectomy, you know vasectomy, hysterectomy, gastrectomy. So tommy word jahan par bhi lagta hai means you are cutting a section of the body part and you are viewing it in detail. Here also, when we are concerned with studying the internal body parts of the plant body, we are going to take a thin slice section of the body part to see what is the tissues arrangement inside the plant body. जब आप एनाटॉमी पढ़ेंगे प्लांट की, तो एक्चुअली में आप क्या पढ़ेंगे? आप अंदर के टिश्यू सिस्टम को पढ़ेंगे, क्योंकि प्लांट के अंदर ऐसा तो कोई ऑर्गन नहीं है जैसे कि हमारे अंदर है. वी हैव हार्ट, वी हैव ब्रेन, वी हैव किडनीज. सच काइंड ऑफ नन ऑफ द सिस्टम इज फाउंड इन द प्लांट. तो प्लांट के अंदर एनाटॉमी में मतलब आप क्या पढ़ेंगे? क्वेश्चन अराइजेज इन द माइंड. सो प्लांट के अंदर हम उसकी हिस्टोलॉजिकल स्टडी को पढ़ेंगे. हम उसकी हिस्टोलॉजिकल स्टडी करेंगे मीन्स टिश्यूज कौन कौन से हैं, टिश्यूज के सिस्टम क्या क्या हैं, किस तरीके का उसका अरेंजमेंट है. Right, and then what kind of functions these tissues are performing. This is what called as the study of plant anatomy. Right, I think this is clear to you. Now there is a person named as Newman Grew. There is a person named as Newman Grew. Inko father of plant anatomy bola jata hai. Because he has contributed a lot in studying the plant histology or studying the tissue system of the plant body. The major credit goes to Mr. Grew to study about internal body parts of the plant body. Whereas India mein agar baat karenge to India mein Professor Kashyap, India mein Professor Kashyap is known as father of Indian plant anatomy. आप कह सकते हैं इंडियन प्लांट एनाटॉमी को स्टडी करने का सबसे ज्यादा क्रेडिट किन्हें जाता है? देन प्रोफेसर कश्यप. क्लियर? नाउ व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, एक्चुअली में हम क्या पढ़ेंगे अंदर की तरफ? हम जानते हैं कि प्लांट इट इज मेड अप ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ टिश्यूज. प्लांट की बॉडी में कोई ऑर्गन नहीं है. रिमेंबर, प्लांट की बॉडी में एज सच कोई ऑर्गन नहीं है, लेकिन प्लांट की बॉडी में बहुत ही डिफाइंड टिश्यूज प्रेजेंट हैं. सो वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट टिश्यूज प्रेजेंट इनसाइड द प्लांट बॉडी. आप जानते ही होंगे टिश्यू क्या होते हैं. टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स विच हैव अ कॉमन ओरिजिन एंड परफॉर्म अ कॉमन फंक्शन. टिश्यूज इज अ ग्रुप, अ एग्रीगेट ऑफ सेल, जिनका ओरिजिन भी कॉमन होना चाहिए और जिनके फंक्शन भी कॉमन होने चाहिए. ऐसा नहीं है कि मैं एक न्यूरॉन ले लूं, एक कार्डियक सेल ले लूं, एक किडनी का नेफ्रॉन ले लूं और इन सब का ग्रुप बना दूं और मैं बोलूं भाई ये टिश्यू है, देन इट इज नॉट अ टिश्यू. राइट? बिकॉज इनका ओरिजिन अलग, कोई एक्टोडर्मल ओरिजिन का है, कोई मीजोडर्मल ओरिजिन का है, तो इनका ओरिजिन भी अलग हो गया और इनके फंक्शंस भी डेफिनेटली अलग हो गए. So when I am talking about the plant body system, when I am talking about the study of the tissues of the plant body, tissue ka matlab pehle samajh lete hain ki tissue is a group of cell which have common origin and common function to be performed. Clear? Now aap jante hain class 9th mein aap pad chuke hain ki plant ke andar kitne type ke tissues paaye jaate hain. To plant ke andar beta do type ke tissues paaye jaate hain. Plant, it is made up of two type of tissues,
meristematic tissues and permanent tissues. Meristematic tissues and permanent tissues. Naam se clear hai, meristem means it is being found in the apical meristems of the plant body, which is helping in the early growth and development of plant body. Plant जब भी बनेगा, एक नया जुवेनाइल प्लांट बनेगा, तो हम जानते हैं फर्टिलाइजेशन होगी, जायगोट बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा, प्रो एम्ब्रियोनल सेल्स जो होंगे उनमें से कुछ सेल्स मेरिस्टमैटिक एक्टिविटी अटेन करेंगे. मेरिस्टमैटिक सेल्स वो सेल्स होते हैं जो कंटिन्यूअसली डिवाइड होते हैं, और इनके कंटिन्यूअस डिवीजन से द ग्रोथ ऑफ द प्लांट इज बीइंग ट्रिगर्ड. और जब ये कंटिन्यूसली डिवाइड होंगे तो इनमें से कुछ सेल्स अपने आप को डिफरेंशिएट कर जाएंगे और परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट हो जाएंगे. अगेन आई रिपीट, इनिशियली व्हेन द ग्रोथ ऑफ एनी प्लांट बॉडी सिस्टम बिगिंस, देन द वेरी फर्स्ट ग्रोथ इज बीइंग कंडक्टेड बाय द एम्ब्रियोनल मेरिस्टमैटिक सेल्स. एम्ब्रियो स्टेज में कुछ मेरिस्टमैटिक सेल्स होते हैं, उनको हम यू कैन से दे आर कॉल्ड एज प्रीमोर्डियल सेल्स. These are called as primordial meristematic cells, और ये primordial meristematic cells continuously divide करते हैं, और ये divide करने के बाद फिर further कुछ primary, secondary meristems according to the type of growth इसमें develop हो जाते हैं. अब अगर कोई cell में आपको ये बता दूं कि भाई ये एक cell है और ये cell divide होगा, तो जब ये cell divide होगा तो इसके एक के दो cell बनेंगे. अब एक के दो सेल बनेंगे, उसके बाद इन सब में डिवीजन अगर होता है तो दो के चार सेल्स बनेंगे. अगर इस तरीके का ग्रोथ पैटर्न होता है तो हम कहते हैं ज्योमेट्रिक ग्रोथ पैटर्न हो रहा है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो रहा है. एक के दो बन रहे हैं, दो के चार बन रहे हैं. लेकिन प्लांट बॉडी में इस तरीके का ग्रोथ पैटर्न इस्तेमाल नहीं होता. प्लांट में क्या होगा, ये एक पहला मेरिस्टमैटिक सेल है, ऐसा सेल जिसकी प्रॉपर्टी ही है डिवीजन, ऐसा सेल जो कि हाईली टोटिपोटेंट नेचर रखता है. टोटिपोटेंट नेचर मींस एबिलिटी टू डिवाइड कंटिन्यूअसली. तो ये सेल डिवाइड होकर दो बन जाएंगे. अब इन दो सेल में से बेटा सिर्फ एक सेल मेरिस्टमैटिक एक्टिविटी अटेन करेगा और एक सेल परमानेंट टिश्यू बन जाएगा. तो एक सेल डिवाइड हुआ, एक सेल डिवाइड हुआ, जबकि दूसरा सेल जो था ये अपने आप को एक परमानेंट फंक्शन में ले गया. मींस दिस सेल हैज लॉस्ट द एबिलिटी टू डिवाइड फर्दर एंड हैज बीन डिफरेंशिएटेड टू फॉर्म अ कंप्लीटली परमानेंट सेल. राइट, सो ये वाला जो सेल है, दिस इज द फर्स्ट सेल, दिस इज द सेकंड सेल. सेकंड सेल अंडरगो द प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन. व्हाट इज डिफरेंशिएशन? डिफरेंशिएशन मींस व्हेन द सेल lose the ability to divide and attains a proper shape, proper size, proper function to be performed in plant body, then it is called as the permanent cell. Right? Plant cell में maximum cells एक समय पर आकर अपनी meristematic activity को छोड़कर permanent shape attain कर लेते हैं. Right? लेकिन जब ये वापस से अपनी secondary growth में जाते हैं, ये डिफरेंशिएटेड सेल वापस से एंटर कर जाते हैं मेरिस्टमैटिक एक्टिविटी में, दैट इज व्हाट कॉल्ड एज डी डिफरेंशिएशन. और वापस से मेरिस्टमैटिक एक्टिविटी अटेन करने के बाद फिर दोबारा से परमानेंट हो जाते हैं, दैट इज कॉल्ड डी डिफरेंशिएशन. तो ये सब चीजें क्या हैं, मैं आगे आने वाली वीडियोज में आपको जरूर बताऊंगी. डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन एंड री डिफरेंशिएशन. अभी हम सिर्फ इतना जान लेते हैं कि मेरिस्टमैटिक सेल वो सेल होगा जो कंटिन्यूअसली डिवाइड होगा, हाईली टोटिपोटेंट सेल होगा. इसके डिवीजन से कंप्लीट प्लांट बॉडी बनेगी, इनिशियल प्लांट की ग्रोथ होगी. ये प्लूम्यूल के एपेक्स पर, रेडिकल के एपेक्स पर इस तरीके से कंटिन्यूअसली डिवाइड करके शूट एपेक्स बनाते हैं, रूट एपेक्स बनाते हैं, और प्लांट की प्राइमरी ग्रोथ बिगिन करते हैं. लेकिन जिस समय इनका डिवीजन चलता है तो इनमें से एक सेल हमेशा परमानेंट शेप में या परमानेंट फंक्शन के लिए चला जाता है. सो इफ वन सेल इज डिवाइडिंग एंड गेटिंग टू, देन आउट ऑफ टू वन विल अंडरगो द प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, मींस नो मोर कैपेबिलिटी टू डिवाइड फर्दर एंड विल गेट परमानेंट इन इट्स नेचर. दिस इज गोइंग टू मेक योर परमानेंट इश्यूज.
वेयर एज वन कंटिन्यूअसली रिमेन डिवाइडिंग। अब इसको भी देख लेते हैं, वन कंटिन्यूअसली रिमेनिंग डिवाइडिंग। अब ये वाला जो है, अब यहां पर वन और टू लिख देते हैं, तो जब ये डिवाइड होगा तो ये वन वाला डिवाइड होगा अगेन वन और टू में, और ये सेकंड वाला परमानेंट हो जाएगा, और ये सेकंड वाला तो पहले परमानेंट था। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो परमानेंट सेल एक के बाद एक एड ऑन होते चले जा रहे हैं। इस तरीके की ग्रोथ को बेटा अरिथमेटिक ग्रोथ कहते हैं, ज्योमेट्रिक ग्रोथ नहीं। सो प्लांट बॉडी में जब प्लांट ग्रोथ होगी तो ज्योमेट्रिक फैशन में ना होकर अरिथमेटिक फैशन में या लीनियर फैशन में वो ग्रोथ परफॉर्म करता है। क्लियर? सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ टिश्यूज टू बी डिस्कस्ड इन द प्लांट एनाटॉमी। वन इज कॉल्ड एज मेरिस्टमैटिक टिश्यू, वन इज कॉल्ड एज परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टमैटिक टिश्यूज आर हाईली टोटिपोटेंट सेल्स विच कीप ऑन डिवाइडिंग एंड डिवाइडिंग, whereas permanent tissues are those tissues which have no more as such capability to divide because they have gone through the process of differentiation, they have achieved a permanent shape, permanent size and permanent function to be performed, right? इसके example आप जानते हैं, SAM that is shoot apical meristem, RAM root apical meristem, ये सारे meristems totipotent cell हैं। जबकि आप इसकी अगर बात करेंगे तो परमानेंट टिश्यू को बेटा हम वापस से दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। मेरिस्टमैटिक का भी अपना एक डाइवर्स क्लासिफिकेशन है, नेक्स्ट अभी इसके बाद यही डिस्कस करेंगे। परमानेंट टिश्यू की अगर हम बात करेंगे तो परमानेंट टिश्यू दो में डिवाइड हो जाएगा, सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू मीन्स ऐसा टिश्यू जिसमें सारे सेल एक ही शेप के, एक ही साइज के और एक ही जैसा फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, देन इट इज कॉल्ड एज सिंपल परमानेंट टिश्यू। ऑल सेल्स आर ऑफ सिमिलर साइज, सिमिलर काइंड, देन इट इज कॉल्ड एज सिंपल परमानेंट टिश्यू। आप एग्जाम्पल जानते हैं, सॉरी आप टाइप्स जानते हैं, वन इज कॉल्ड पैरेन्काइमा विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज द ग्राउंड टिश्यू ऑफ प्लांट बॉडी। Second one is called as colenchyma and one is called as sclerenchyma. So ये तीनों हो जाते हैं simple permanent tissue, whereas complex permanent tissue is your xylem and phloem, is your xylem and phloem. इन सभी नेम से आप काफी familiar हैं, lower classes से आप ये सारे type के tissues पढ़ते चले आ रहे हैं, right? So we are going to study about anatomy of flowering plant. In the internal study of plant body, we are majorly focusing on the study of tissues system in the plant body. Tissue is a group of cell which have common origin and common function to be performed. Each and every plant body is made up of two types of tissues. One is called meristematic tissue, one is called as permanent tissue. Meristematic tissues are highly totipotent cells. These tissues are made up of totipotent cells, whereas once some of the cells undergo the process of differentiation, and after differentiation means after losing the ability to divide further, they attain a permanent shape, size and function called as permanent tissue. Permanent tissue is further of two types, one is called simple, one is called complex. Simple means if all the cells are of same kind, then it is called a simple permanent tissue. If all the cells are of different kind, then it is called as complex tissue. Parenchyma, colenchyma, sclerenchyma are the type of simple permanent tissue. Xylem and phloem are the type of complex permanent tissue. तो ये यहां तक मुझे लगता है आपको बिल्कुल क्लियर है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। Then I will start with the characteristics of meristematic tissue.